हाय गाइस, वेलकम टू एन एपिसोड की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज। और दोस्तों, रिलीज हो चुका है आज व्हाट इफ का एपिसोड 6 सीजन 2 का। इसके 5 एपिसोड्स आ चुके हैं, मैंने हर एक के ऊपर वीडियो बना रखी है। इन केस आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज चेकआउट कर लेना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा। इसके टोटल 9 एपिसोड्स आने वाले हैं, तो सिर्फ 3 एपिसोड्स और बचे हैं। और दोस्तों, आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ कहोरी रीशेप द वर्ल्ड। चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आज का कैरेक्टर कहोरी या फिर कहोरी, वो एक्चुअली एमसीयू में या फिर मार्वल में कभी कैरेक्टर बना ही नहीं था। किसी कॉमिक बुक में इसका कभी भी कोई जिक्र नहीं आया है। फर्स्ट टाइम जस्ट पर्टिकुलरली इस शो के लिए, व्हाट इफ के लिए, इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया कहोरी। और ये फ्यूचर में मार्वल में इंट्रोड्यूस होगी अब से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हार्ले क्विन जो कैरेक्टर थी वो सीधा बैटमैन एनिमेटेड सीरीज में आई थी, उसके बाद फिर कॉमिक बुक्स में लेके आए थे। सिमिलरली यहाँ पे पहले शो में इंट्रोड्यूस किया गया कहोरी को, और ये कैरेक्टर को फ्यूचर में लेके आया जाएगा। और क्योंकि ये मल्टीवर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए यहाँ पे एपिसोड बनाना पड़ा था। खैर, एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि एसगार्ड पे रैग्नारोक वाला पूरा सीन चल रहा है, और ओडिन एक्चुअली हार जाता है एसगार्ड को। एसगार्ड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका है, रैग्नारोक टुक ओवर। लेकिन इस बीच में होता है जो टेसरैक्ट था, टेसरैक्ट वहां से आउटर स्पेस में निकलता है और एक दूसरी दुनिया में जा पहुंचते हैं, एक गांव में जा पहुंचते हैं जहां पे नेटिव अमेरिकन या फिर रेड इंडियंस रहते हैं। अब होता क्या है कि आप एक लेजेंड, एक कहानी है कि बहुत सालों पहले एक बैटल फील्ड पे जो जहां पे टेसरैक्ट लैंड किया था, बेसिकली उनके गांव वालों को तो नहीं पता कोई टेसरैक्ट है, उसमें स्पेस स्टोन की पावर है, तो वहां पे वो एक लेक में जाके गिर गया था। और ऐसा कहा जाता है जो भी कोई इस लेक में जाता है वहां से दोबारा लौटे कभी नहीं आया, वहां पे मर जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ यहाँ पे रूमर्स है उस लेक को लेके कि वो फाउंटेन ऑफ यूथ है, जो भी इस लेक में जाएगा वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी भी एज नहीं करेगा, वो अमर हो जाएगा। तो इसलिए काफी कुछ लोग उस पर कई बार इन्वेड भी कर चुके उस लेक पे आने के लिए, और हर बार गांव वालों ने किस तरीके से उसको बचा लिया है। खैर, अब एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कहोरी अपने भाई के साथ खेल रही होती है। वो खेलते खेलते अपने गांव से दूर पहुंचते हैं एक जंगल में जहां पे जाना मना था, और उसी ओल्ड बैटल फील्ड पर जाके पहुंचते हैं जहां पे उनको एक लेक दिखती है। वो कहते हैं लेक कम या पडल ज्यादा है, लेक तो नहीं है जैसे हमने सुना था, और यहाँ पे तो कुछ हमको कुछ खास लग भी नहीं रहा है, तो नॉर्मल सी लेक है, सूखी हुई लेक है। तभी ना उनको कुछ धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो दोबारा अपने गांव की तरफ देखते हैं तो वहां पे कुछ इन्वेडर्स ने हमला कर दिया है। बहुत सारे स्पैनिश इन्वेडर्स हैं, और उनको लीड कर रहे हैं उसका नाम है रॉड्रिगो अल्फांसो गोंजाला। वो उनका कमांडर है, और बेसिकली वो इसी चीज की सर्च करने के लिए आया कि वो लेक का है ताकि वो भी फॉरएवर यंग रह सके। अब इतना होता ही है कि कहोरी और उसका भाई उनको पकड़ लिया जाता है, और सारे के सारे गांव वाले पकड़े हुए हैं, बट समहाउ कहोरी उसका भाई वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वो लगातार यहाँ पे भाग रहे हैं, और अल्फांसो फिर रॉड्रिगो अल्फांसो की जो आदमी उसके पीछे पड़ रहे हैं लगातार भागते भागते, वो वापस एक फिर से जंगल की तरफ भागते हैं उस पर्डल या उस लेक की तरफ। लेकिन होता क्या है कि गलती से वो एक मिट्टी के अंदर धसी हुई होती है, पिट होता है, उससे आगे गिर जाते हैं। अब नीचे जब कुएं पहुंचते हैं, खाई में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि एक्चुअली वहां पे है वो लेक जो फॉरबिडन लेक है, और जिसके बारे में इतना रूमर उठे हुए थे कि इसमें अगर आप एक बार चले गए तो दोबारा लौटे कोई नहीं आता। और रॉड्रिगो अल्फांसो भी इसी चीज की तलाश करने के लिए आया था। कहोरी और उसके भाई के पीछे तो अभी भी रॉड्रिगो की आर्मी पड़ी हुई है, तो समहाउ जहाँ पे वो लेक है उसी के आसपास आके वो कहीं पे छुप जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसी चक्कर में गलती से उसका जो भाई है वो आवाज़ कर देता है अपने भाई को बचाने के लिए। यहाँ पे कहोरी बाहर निकलती है, अपने भाई को बचाना चाहती थी, लेकिन वो जो रॉड्रिगो एक आदमी था उस पर गोली मार देता है, और गोली मार के सीधा कहोरी नीचे पानी में जा गिरती है, उस लेक में जा गिरती है। तो गोली लग चुकी है, और उसके भाई को कैप्चर कर लिया था कहोरी के। कहोरी को भाई को लेकर जाया जाता है वापस रॉड्रिगो के पास। अब यहाँ से ट्विस्ट आने शुरू होते हैं। तो बेसिकली जो कहोरी इस पानी में गिरी है, वो जो फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है, वो उसके थ्रू पहुंचती है एक नए वर्ल्ड में, दी स्काई वर्ल्ड, जिसके बारे में उसने अपने गांव वाले के थ्रू सुना था, एक कहानी सुनी, एक लेजेंड सुनी थी, लेकिन अब उसको जी पा रही थी। ये टोटली न्यू यूनिवर्स है, यहाँ पे वो बिल्कुल हील हो चुकी है, यहाँ पे उनके पास शक्तियां हैं, यहाँ पे उन्होंने हर चीज को कंट्रोल कर रखा है, इस गांव में कोई एज नहीं करता, और यहाँ पे सदियों से रह जा रहे हैं। यहीं पे कहोरी की मुलाकात होती है एक आदमी से, इसका नाम है एट्रैक्स। एट्रैक्स बताता है कि हम वो लोग हैं, और एट्रैक्स ये बताता है कि हम वो लोग हैं जो कि इस लेक में गिर गए थे, जिसके थ्रू तुम आई हो, और यहाँ पे सदियों से हमने कभी एज नहीं किया, हम कभी मरते नहीं हैं, और यहाँ पे हमारे पास पावर्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। यहाँ पे वो क्लाउड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पानी कंट्रोल कर सकते हैं, काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली उस लेक के थ्रू जो नया वर्ल्ड बना है उसमें हुआ ये है कि स्पेस स्टोन की पावर यहाँ पे पूरी पूरी उस गांव में फैल गई है, ऐसा वॉचर भी बताता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, जो पूरा का पूरा एपिसोड है ना, ये नेटिव अमेरिकन में या फिर स्पैनिश में एपिसोड है, तो ये सिर्फ सबटाइटल्स के थ्रू आप देख सकते हैं, क्योंकि पूरा एपिसोड इसमें इंग्लिश में डब नहीं है, हिंदी तो दूर की बात है। यहाँ पे अब अट्रैक के थ्रू वो जानना शुरू करती है कहोरी यहाँ की दुनिया के बारे में। तो अट्रैक ये भी बताते हैं कि कुछ सालों पहले मेरा कजन था जो कि इसी लेक में गिर गया था, लेकिन देखो मेरा कजन भी जिंदा है। तो बेसिकली उस लेक के थ्रू जो भी कोई यहाँ पे आया है वो सब जिंदा है,
और ये कहोरी के एंसेस्टर्स है जो कि बहुत सदियों पहले 100, 200, 300, 400 साल पहले खो गए थे और सब के सब इस न्यू स्काई वर्ल्ड में आके रहने लगे हैं। और इसको जो पावर स्टोन है या फिर जिसको पावर सोर्स है वो वही स्पेस स्टोन या फिर टेसरैक्ट है जो कि इसको पूरी पावर देता है और यहाँ के लोगों को भी पावर देता है। अब जाहिर सी बात है कि ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे रॉड्रिगो की आर्मी ने उसके भाई को भी पकड़ रखा है कहोरी के, और उसके थ्रू वो पता लगा सकता है कहाँ पे है कहोरी या फिर वो कहाँ पे है फाउंटेन यूथ जो फाउंटेन लेक है। कहोरी वापस अपने गांव में जाना चाहती ताकि अपने भाई को या फिर पूरे गांव वालों को बचा सके। एट्रैक समझाते हैं कि ये सब बहुत मुश्किल है, यहाँ पे इजी नहीं है, यहाँ से बहुत लोगों ने निकलने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे लकड़ियों के थ्रू उन्हें कंट्रोल करते हैं और सीढ़ी बनाने की कोशिश करती है, स्टेप्स बनाने की कोशिश करती है जिसके थ्रू ऊपर चल पाए, लेकिन हर बार वो नीचे गिरती है। वो बहुत ट्राई करती रहती है कहोरी लेकिन वो हारती जाती है। लेकिन हाँ एक बात ही, कहोरी ना फास्ट लर्नर है, जितना बाकी को लगा टाइम अपने पावर्स को गेन करने में समझने में कहोरी तुरंत क्विकली समझ चुकी है और बाकी सबके मुकाबले काफ़ी ताकतवर है। कितनी इसके बारे में आगे बताता हूँ। इतने में होता ये है कि अट्रैक्ट तभी इसको बताते हैं कि यहाँ पे हंटिंग की आवाज़ आ रही है, चलो तुमको मज़ा आने वाला है। कहोरी और अट्रैक्ट पहुँचे हंटिंग के लिए, तो ये बताते हैं जिस चीज़ के तुम सर्वाइव करते हैं, एक फ्रूट जो कि डायमंड शेप का, ब्लू कलर का डायमंड शेप, ये फ्रूट है उसको हम हंट करते हैं। कहोरी कहते हैं फ्रूट को मतलब फल को हंट कौन करता है? तभी देखते जो फ्रूट्स जिन पे लगे हुए हैं वो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े विशाल बुल हैं। तरीका क्या है कि जितने भी उस गांव वाले लोग हैं या फिर स्काई वर्ल्ड के लोग हैं वो उन बुल्स की तरफ भागेंगे और बुल्स के साइड में भागेंगे, बुल्स के आगे नहीं जाएंगे। ये बात अट्रैक कहोरी को बताता भी है, बुल्स के साइड भागना, उनके आगे मत भागना वरना बुल्स तुमको उड़ा देंगे, और उसके ऊपर फिर कूदना, उसके बाद उनके फ्रूट्स को निकाल के वहाँ से वापस आ जाना। लेकिन कहोरी की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, सुपर स्पीड बढ़ जाती है कि वो गलती से बुल के आगे निकल जाती है। अब बुल यहाँ पे कहोरी पे हमला करने वाला था, लेकिन कहोरी अपनी पावर का इस्तेमाल करके बुल को उल्टा कर देती है और उसके अंदर जितने फ्रूट्स निकले थे वो सारे कलेक्ट कर लेती है। अब ये बुल रेस खत्म हो जाती है, तो अट्रैक और बाकी गांव वाले गिनते कि उन्होंने कितने कितने फ्रूट्स निकाले, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 12। तभी देखते कहोरी ने पता नहीं 100, 200 वो एक साथ फ्रूट्स लेके आ गए थे, तो समझ जाते हैं कहोरी एक्चुअली बाकी सबके मुकाबले काफ़ी डिफरेंट है, सबसे ज़्यादा ताकतवर। अब आगे होता है ये कि रॉड्रिगो की आर्मी को मिल गई थी फाइनली वो फाउंटेन ऑफ यूथ या फिर वो जो लेक थी। अब इसमें एक एक करके जितने भी कमांडर्स थे वो जितने भी सोल्जर्स थे वो एक एक करके उस पानी में उस लेक में जाने लगते हैं और सबके सब डूबने लगते हैं। रॉड्रिगो घबरा जाता है, ये हो क्या रहा है? रॉड्रिगो अपने सोल्जर को बचाना चाहता है बट कुछ नहीं कर सकता था, वो सारे सारे डूब जाते हैं और पहुंचते हैं उसी न्यू स्काई वर्ल्ड में। वहां पे देखते हैं कि यहाँ पे तो जश्न मन रहे, बेसिकली जितने भी कहोरी वहाँ के जितने भी लोग थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने अभी जस्ट फ्रूट चुराया है, फ्रूट उनको मिल गया है। वो सोचते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड है, यहाँ पे सोचो कितना खजाना छुपा हुआ होगा, और वहाँ पे वो हमला करने पहुंचते हैं। जैसे वो अपने गोली चलाते हैं कहोरी हो जाती है बहुत तेज गुस्सा एंड सबकी बुलेट रोक लेती है एक एक करके, उनकी बंदूकों को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहोरी उनको जड़ से पकड़ लेती है, उन्हें अकड़ देती है एकदम और उनको मारने की कोशिश करती है। यहाँ आपको बहुत ही गुस्सा होता है, कहोरी को समझाती है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे गांव पे हमला किया, तुम सदियों से यहाँ पे, तुम्हें कुछ नहीं पता ये बाहर क्या चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे गाँव को बचाओ। लेकिन अट्रैक और बाकी लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर वॉर नहीं करते, हम वॉर कर ही नहीं सकते, हम यहाँ पर बस एक पीसफुल जिंदगी जीने के लिए। कहोरी समझाती है कि पीसफुल जाए बाहर में, लोगों को बचाओ, तुम्हारे खुद के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रेडी नहीं होता। कहोरी कहते ठीक है खुद से मैं जाऊंगी, मैं अकेले लड़ूंगी, तुमको आने तो आओ वरना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कहोरी बाहर चल जाती है क्योंकि अब लैंड भी उसकी मदद करता है। अट्रैक बताते हैं कि तुम अब पोर्टल को कंट्रोल कर सकते हो जिस पोर्टल के तुम यहाँ पे आई हो, पोर्टल को अपने पास बुला लेती है और चले रही फाइट पे खुद अकेले। ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि रॉड्रिगो ने जितने भी गाँव वाले थे उन सबको स्लेव बना लिया, उनको स्पेन लेके जा रहे अपने क्वीन के पास। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे कहोरी आती है और एक एक करके पूरी पूरी स्पेन की आर्मी को खत्म कर दी, सबको मारने लगती है अकेले, बहुत पावरफुल होती है। लेकिन वो भी अकेले कब तक लड़ पाती? रॉड्रिगो की आर्मी इतनी ज्यादा थी कि उस पर लगातार गोलियां चलाती थी, बहुत सारी गोलियां चलाती है। कहोरी मैक्सिमम लड़ने की कोशिश करती है लेकिन एक पॉइंट के बाद वो भी छोड़ देती है, उससे नहीं हो पाता, तो एक गोली आकर लग जाती है लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। तभी वो नीचे गिर जाती, घायल होती है। अब यहाँ पे होता है कि रॉड्रिगो उसकी आर्मी यहाँ पे कहोरी को मारने वाले होते, लेकिन तभी हम देखते हैं अट्रैक और बाकी जितने भी गाँव वाले थे स्काई वर्ल्ड के वहाँ पे आ जाते हैं और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। कहोरी कहती है अट्रैक से तुमने तो मना कर दिया। अट्रैक कहते हैं जो भी तुमने बात बोली बिल्कुल सच बोली, ये हमारे भी लोग हैं, हमारी शक्ति है, तो हम क्यों ना तुम्हारी मदद करें, क्यों ना हम एक साथ फिर से रह सकें, अब जो भी हमको मिला है उसके थ्रू। और वो पूरी पूरी आर्मी को डिफीट करते हैं। इसी बीच में होता ही है जो कहोरी का भाई था वाटा, उसका नेकलेस एक आर्मी के सोल्जर ने चुरा लिया था, यानी कि रॉड्रिगो की जो आर्मी थी उसके सोल्जर ने चुरा लिया था, उसको अपना नेकलेस भी वापस बना देती है और सम हाउ डिफीट कर दिया था पूरी की पूरी रॉड्रिगो की आर्मी को, सबको खत्म कर दिया जाता है। और एक बार उनका गाँव फिर से फ्री हो चुका है और उसमें गांव वालों के साथ न्यू स्काई वर्ल्ड में जो दूसरे दुनिया वाले जितने भी पुराने गांव वाले थे जिनके पास पावर है स्पेस स्टोन की, वो उनके साथ रहने लगते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ने लगती है, उनके पास मैजिक की पावर है इन सिंपल वर्ड्स। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं स्पेन की जो क्वीन है, उनका कमांडर इन चीफ उनसे कहते हैं कि हम 3 लोगों को भेज चुके हैं
तीनों के तीनों हार चुके हैं, हम उनके आगे नहीं जीत सकते। स्पेन की क्वीन बहुत ही इगोइस्टिक थी, वो कहती ऐसा कैसे हो सकता है, मैं चाहती हूँ तुम फिर से उन पर जाओ हमला करो, मेरे सोल्जर तो बेहतरीन है, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, मैं डरती नहीं किसी भी। तभी हम देखते काउरी उसके आर्मी वहां पहुंच जाती है और उन पर हमला करने वाले उनके सबके वेपन से हटा लेती काउरी। काउरी प्यार समझाती है, कहती है मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ मिलकर रहें। लेकिन क्वीन की ईगो बहुत बड़ी, वो कहती है तुम मुझे डरा ही सकती, ये थ्रोन मेरा है, मेरा ही रहेगा। काउरी कहती है तुम्हें थ्रोन का घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है मुझे। वो उसका थ्रोन उठाती है, उसको तोड़ देती है, इनफैक्ट क्वीन को भी हवा में लटका देती है। जो कहती है मैं अभी भी बोल रही हूँ प्यार से रहो, पीस के साथ रहो, और फिर ऑब्वियसली बात है क्वीन की ईगो टूट जाती है। तभी हम देखते हैं पीछे एक पोर्टल खुलता है और हम यहाँ पे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है, बेनेडिक्ट कंबरबैच या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज की। लेकिन ये डॉक्टर स्ट्रेंज वही है, डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम, जिसके पास पिछले सीजन में पावर मिल गई थी, वो सबसे ताकतवर है। वो यहाँ पे आता है एंड वो बताता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ पे एक मल्टीवर्सल वॉर होने वाली है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम ने कहोरी को हायर करने के लिए सोचा है, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको मजा आया। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड ये बताइए कि आप कौन से वाले एपिसोड के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। जो फिनाले होने वाले वो होगा ऑन 30th ऑफ दिसंबर, 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को फिनाले होगा। तो अच्छी खास जर्नी होगी। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर करना इस वीडियो को जितना कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू 100K सब्सक्राइबर्स, प्लीज कर देना, ठीक है। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा आशा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।